साथियों, गांव हो, गरीब हो या फिर हमारा आदिवासी, केंद्र जी की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार पूरी क्षमता से काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास के संकल्प को हम जमीन पर उतारने पर जुटे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना पीएम जय का महाराष्ट्र के गरीब, वंचित, शोषित और आदिवासी परिवारों को बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। इसके तहत अभी तक देश में 12 लाख से ज्यादा गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मिल चुका है, जिसमें से महाराष्ट्र के 70,000 से अधिक और धुले के लगभग 1,800 मरीज ने इसका लाभ लिया है। हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने वाली इस योजना से लाखों गरीब, वंचित, आदिवासी परिवारों में एक नई उम्मीद जगी है। अभी यहां मंच पर आने से पहले मैं यहां पर आयुष्मान योजना के जो लाभार्थी हैं उसमें से कुछ लाभार्थियों को मुझे मिलने का अवसर मिला। पहले किस तरह इलाज का खर्च सोचकर वो इलाज टाल देते थे, बीमारी झेलते थे, मौत का इंतजार करते थे, लेकिन पैसों के अभाव में उपचार नहीं करवा पा रहे थे। लेकिन जैसे ही उनको आयुष्मान भारत योजना का पता चला, उन्होंने उसका लाभ लिया और आज कैसे आयुष्मान योजना ने उनके जीवन को बचाया है, एक नए सपनों के साथ आज उनसे मैं जब बात कर रहा था तो उनकी आंखों में वो चेतना नजर आती थी, नए सपने बुन रहे थे। मैं सचमुच में उनकी बातें सुनकर के मन को इतना समाधान हो रहा था। उनके आशीर्वाद मुझे वो ताकत दे रहे थे कि मैं इस देश के हर नागरिक के लिए जितना कर सकूं, कभी कोई कमी न रह पाए।